लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Ha ha ha!
हेलो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज राजीव छाबड़ा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पीपी पवित्र पानी प्योरीफायर। अबे प्योरीफायर छोड़, नहीं मैं तेरे लगा दूंगा अगर वापस फोन किया तो। सर एक मिनट। अबे फोन रख। ओके सर, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज राजीव कॉलिंग फ्रॉम पीपी प्योरीफायर। सर आपसे गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज राजीव छाबड़ा फ्रॉम पीपी प्योरीफायर। आपसे कल भी बात नहीं? नहीं, आप एक बार मक्के का ही पानी पीते हैं। मैं आपको नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ समीर। अबे राजीव जल्दी आ यार, बहुत भड़क रहा है भाई। भाई आ रहा हूँ मेरे भाई, रस्ते में ही बस आ रहा हूँ पहुँच गया। अरे भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार। भाई प्लेन थोड़े ना है जो उड़ा के ले चलूं। कमाल है, आपको मैनेज नहीं है, पता नहीं किस तरह से बात करते हैं। और गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? भाई आगे जाम लगा है, हवा निकलने की जगह ना है, गाड़ी कहाँ से निकालूं? अरे अजीब बात कर रहे हो यार। हाँ समीर भाई। अबे कहाँ रह गया तू? समीर भाई मैं ना जाम में फंसा हूँ यहाँ पे यार, आईटीओ पे। भाई क्या करूँ? तेरी नौकरी गई। नहीं 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 समीर भाई ऐसे मत बोलो, प्लीज संभाल लेना ना यार। छोड़ और पैदल भाग। आगे 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 भाई आगे। अरे भैया यहाँ तक कितने हो यार? 380। ये लो भैया मैं यहाँ पे उतर जाऊंगा, थैंक यू। हाँ भाई। और भाई बाकी के 20 रुपए फटे हैं। अबे मैं फटे चला लूंगा। अरे भाग, 20 रुपए के चक्कर में जॉब चली जाएगी तेरी। अबे चाय पी लियो मेरी तरफ से, जा मर। चाट भी खा लूंगा। अबे यो कैब में ना कंप्लेन करूंगा तेरी, और स्टार भी एक ही दूंगा समझा, इसी तरह चलता नहीं है। अरे भाग, जॉब चली जाएगी तेरी। हेलो यंग मैन। हेलो अंकल। थोड़ा थके हुए लग रहे हो। अरे अंकल लगे पड़े हैं। क्या? रहने दो ना अंकल, नौकरी से परेशान हो? अंकल बुरा ना मानो, आपसे एक बात पूछूं, आपकी एज कितनी? 55। आपने कभी प्राइवेट नौकरी करी है? 50 के रह जाओगे अंकल, ये प्राइवेट वाले ना खून चूस लेते हैं और ऊपर से कहते हैं शो से एनर्जी। विटामिन लिया करो। विटामिन अंकल? कौन से विटामिन? विटामिन ए मेरा ट्रैफिक ले जाता है, विटामिन बी मेरा बॉस चूस जाता है, विटामिन सी जो है वो चूरन चाट के चले जाता है, विटामिन डी जो सनी ले जाता है, विटामिन ई जो बचा हुआ है वो समीर खींच के ले जाता है। ये क्या हुआ अंकल? ये तो लिफ्ट बंद होगी अंकल, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या हुआ? पाकिस्तान और चाइना एक साथ हमला करेंगे तो लड़ोगे कि रहोगे? अरे अंकल तब की तब देखेंगे ना। बेटा दिस इज इमरजेंसी ब्लैकआउट, मोर्चा संभालो जवान, मोर्चा। अंकल आप 2 मिनट और चुप हो जाओ, मैं सच्ची कह रहा हूँ मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, हटो यार। जय गणपति बप्पा मोरे ओम गणेशाय नमः, मंगल मूर्ति मोरे ओम गणेशाय नमः। अरे अंकल भागो भागो, तुमने थर्ड का दबाया था, तुम्हें ऊपर जाना था। अरे अंकल ये भाई तो फिर से डगी तो मैं नहीं ले रहा रिस्क यार। अरे रिस्क लेना चाहिए यार, रिस्क लेना अच्छा होता है बेटा। अंकल आप लो ना रिस्क, बनाओ इसको अपने जंग का मैदान, बनाओ इस लिफ्ट को अपना बंकर यार। ब्लडी चिकन जनरेशन। सॉरी। अरे मैं तेरे को एड्रेस मैसेज कर दूंगा, पर जा। एक मिनट भाई, कहाँ रह गया तू, कहाँ रह गया भाई? वो छोड़ी बॉस का कह रहे हैं। भाई बॉस की तो सरकी हुई है, तेरा नाम लेके नई नई गालियां क्रिएट कर रहा है। मेरे को बता मैं जाऊं या ना जाऊं अंदर? देख तू अंदर नहीं जाएगा ना तो नौकरी तो गई, और तू अगर चला जाएगा तो तू अंदर जाके पता लगेगा भाई। यार तू घुमा फिरा के पूरा सीधा बोल, जाने पड़ेगा। भाई बात सुनो, तू ठंड रख वो। हाय सोनम। यार राजीव तुम लेट कैसे हो गए? अरे यार पता है कितना ट्रैफिक था सोनम, भाग भाग के आया हूं। भाई अभी भाग के जाओ, इंतजार कर रहा है। सर ये 2 मिनट दे दे, तेरे को पता है मैं बात कर रहा हूं ना सोनम से। एक मिनट यार, बाय द वे तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? ठीक है, दवाई वगैरह ली कुछ? हाँ हाँ बेटर है, समीर दवाई ले आया था। थैंक्स यार। ये तो मेरा फर्ज है ना यार, अब सोनम तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। अरे मेरी भी तो दोस्त है, कुछ ही सोच लेता है। यू टेक केयर। अरे इसकी केयर मैं कर लूंगा भाई, तू नौकरी की केयर कर। श्रद्धा, बस तुम मुझ में श्रद्धा रखो। मैं हूं ना, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मिलके लगाएंगे प्यूरीफायर्स। साले ढीठ, तेरे चाचा का चांदनी चौक मारूं, तू बिना पूछे अंदर कैसे आ गया? सर वो आपने बुलाया था तो। माकड़। हाँ जी सर। अबे तोते जैसी नाक वाले, तेरे को कितनी बार समझाया, किसी को एकदम से अंदर मत आने दिया कर। जा कॉफी लेके आ, और सुन 2 लेके आई हो। थैंक यू सर। अच्छा तू कॉफी पिएगा? मनोज तेरे लिए नहीं, मैडम के लिए। पिछले 1 महीने से तू एक भी प्यूरीफायर नहीं बेच पाया है। सर मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर रहा हूँ, अब नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूँ? समीर को देख, 6 महीने में 42 फिट करा चुका है। इसके है ना पंप्स बड़े, गट्स बड़े नहीं है। सही बात है,
तो सर मैं जाऊं? अरे स्वीटी, तुम्हें अभी और बताना है, रिलैक्स। अब कान खोल के सुन, परसों तक यानी फ्राइडे तक तूने एक भी प्यूरिफायर नहीं लगवाया ना, तो मैंने तेरा रिजिग्नेशन टाइप करा के रखा हुआ है, समझ गया? क्या समझ गया? सर मैं जाऊं? नहीं, आप बैठिए, मैं ही चले जाता हूँ, है ना सर? हाँ, जा। कस्टमर को फोन मिला, उसके हाथ जोड़, पैर पड़, कुछ भी कर, लेकिन प्यूरिफायर का ऑर्डर लेके आ, वरना फ्राइडे तक अगर नहीं लाया ना, तो शनिवार को शनि की 7:30 तेरे ऊपर मैं चलवा दूंगा। बहुत हो गया, समझे? आप ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको पता है मेरे पापा मेरी मम्मी से ऐसे बात करते थे और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा खुद को आता है जब उससे ऐसे कोई बात करते। मैं ना आपको आपको मार दूंगा पापा। क्यों भाई, तू गया नहीं अभी तक? व्हाट्सएप भेजूं क्या? सॉरी सोनम, मत करना यार। तो क्या करूं यार? तूने माता रानी की कसम खाई थी यार कि धोखा नहीं देगी। तो धोखा कहाँ दे रही हूँ, कहकर छोड़ रही हूँ ना यार। ऐसे तोड़ना छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ते हैं? ब्रेकअप ऐसे ही तो होते हैं। मैं तुझसे लव करता हूँ यार। यार राजीव, ये प्रैक्टिकल यार, ये लव से थोड़ी ना लाइफ चलती है। प्रैक्टिकल वाली बात पहले नहीं बता सकती थी? मैं तेरे साथ लव में नहीं पड़ता। तो अभी बोल रही हूँ ना, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। दे सकते हो? यार मैं ट्राई तो करूँ, एक आधे प्योरिफायर का जुगाड़ हो ही जाएगा ना। यार एक आधे प्योरिफायर से घंटा कुछ होगा? सुनम ऐसे नहीं बोलते, पर वैसे भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। देखो जब तक तुम्हारा घड़ा भरेगा ना, तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। यार सोनम प्लीज ऐसे मत करना यार, एक बारी और सोच ले, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए सोच। यार राजीव तुम कितना रोते हो यार। रोने की बात नहीं सोनम, प्लीज यार। आई एम डन सोनम, प्लीज यार, बस बाय। गई रूट की, मानेगी नहीं मानेगी? यार सारी जिंदगी ना एक प्यूरिफायर पे टिकी हुई है, ये बिका तो मैं टिका, नहीं तो इन्हें भी ना टिका। आज खुश तो बहुत होंगे आप। जो इंसान 2 साल से आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चढ़ा रहा है, आपके सामने माथा टेक के खड़ा है, आपके सामने हाथ मिलाए खड़ा है, आज भी वो वही खड़ा है। अरे जिसका एक प्योरिफायर तक नहीं बिका, जिसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, अरे जिस इंसान के जिंदगी में एक प्योरिफायर ना बिका, उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, उसको रेंट देने के उसके पास पैसे ना हो, यहां तक कि उसकी नौकरी छूटने की तादाद पर हो ना, वो आखिर क्या करे? क्या मेरा जो ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सारा के सैंडल ही दिला सका? क्या मेरा जो ये है कि मैं बोला हूं बस मेरा खोया हुआ प्यार दिला दो और मेरी नौकरी बचा दो, मेरे इस फ्राइडे को हैप्पी डे बना दो। गुंजा पानी की बोतलें मंगवा ली? हाँ दीदी, घर में सामान से ज्यादा तो पानी की बोतल इकट्ठी हो गई है। पानी छानने की मशीन नहीं करवा लीजिए? अरे हाँ, वो कल मनचंदा जी आए ना, वो भी मजाक उड़ा रहे थे, पर तुम्हें तो पता है ना टाइम ही नहीं मिल रहा। तुम्हारे भैया थिएटर में बिजी हैं और मैं ये सब एनजीओ के कामों में। दीदी एक बात और बोले, भैया को ना जरा संभाल के रखो, उनको थोड़ा टाइम दिया करो, नहीं तो कहीं और टाइम देने लगेंगे। हमारी अम्मा कहती थी, जो ये मर जात होती है ना, ये बाल्टी के जैसी होती है, इनको तो बस पानी भरने से मतलब होता है, चाहे वो कुएं का हो या नदी का। तुम्हारे भैया ऐसे नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई है ना, तो जहाँ लव होता है वहाँ शक नहीं होता। और मेरा गगन तो दुनिया में सबसे अलग है। ये मोहब्बत का दस्तूर है जो न जाने क्यों आज तक बादस्तूर है। यूं तो मोहब्बत और मुकम्मल कभी मिलते नहीं, पर ये मोहब्बत मुकम्मल हो भी सकती थी अगर ये किसी शहजादे और कनीज के बीच ना होती। सुभानअल्लाह, बेगम लाजवाब अदाकारी कर रहा है। बादशाही और नौकरशाही का ये सिलसिला ये आलम तक पहुंचेगा ये सोचा ना था, मगर मैं चूमना चाहता हूं यहां की सरजमीन, जहां मुझे मेरी चाह से वाकिफ करवाया। मैं सलाम करता हूं यहां की आब हवा को। सलाम कबूल हो। क्या कदरदानों से महफिल खाली है?
ना कहीं सीटी ना कहीं ताली है। तो कहिए शहंशाह हिंद, आपने इस आशिक की क्या सजा मुकर्रर की? माफी की गुंजाइश है या नहीं? मोहब्बत के गुनहगारों को माफी नहीं, सजा मिलती है। सेकू शेकू सेकू शेकू 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 सेकू जट्स आके फड़ो। इतना सस्ता अकबर लेके आए हो, ठीक से शेकू भी बोल नहीं पा रहा है। और कीजिए बादशाह सलामत, मोहब्बत गुनाह नहीं है। है जब वो बेपरवाही से, बेहयाई से और बेलगाम की जाए। सेकू प्यार वो इनायत है जो इसे करते हैं उन्हें इन सब चीजों का होश ही कहां होता है। ऐसे में लापरवाही और बेलगामी की बिसात ही नहीं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेकू यही फरमाना चाहते हैं ना कि अब्बा हुजूर कहते हुए जिसकी जबान नहीं थकती थी वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहने पर मजबूर कैसे हो गए? शुरुआत हो गई, अकबर का डायलॉग खा गया। सेकू ये मेरा डायलॉग था, भूख लगी थी जैसे खाना खाते हैं, खा गया। सेकू तेरी इतनी हिम्मत? अरे वो हिम्मत ही क्या जो अपने प्यार के खातिर हिमाकत में तब्दील ना हो जाए। सेकू इतना जोर मत लगाइए, पेट का जोर किसी और रास्ते से निकल जाएगा तो ना बादशाह हाकिम को दिखा पाएगा और ना ही हाकिम बादशाह को देख पाएगा, और जो ताली नहीं बजाएगा ऊपर वाला उसकी बजाएगा। तुम्हारी सजा ये है कि यही फरमाना चाहते हैं ना, किसी चिकने खजूर पर चढ़वाया जाए या मीठे पान की तरह चबाया जाए, शेरों के पिंजरे में डलवाया जाए या सांड से लड़वाया जाए। इस तरह दूसरे किरदारों के अल्फाज मत खा, बचेंगे नहीं, दस्त लगेंगे दस्त। नहीं लगेंगे, मुझे लिक्विड को हार्ड बनाना आता है, और तू मेरे बाप का किरदार निभा रहे हो, मेरा असली बाप बनने की कोशिश मत कर, तेरी पेमेंट काट दूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे साले। शहजादे इस तरह से क्या कोई अपने अब्बा हुजूर से बैत भी करता है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरे सर थाई डायलॉग थे वो तो छोड़ देते। आशिक का यही मजहब और यही उसकी जात होती है, आशिकी ऐसे कैसे छोड़ देता? मैं ना सिर्फ तलवार फेंक के मार दूंगा। कहाँ है वो माशूका, हमें उनके दीदार कराए। दरबान चार कली को लेकर बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। मुलाजा होशियार, महजबी, ताजा तरीन, नाजरीन, अल्ट्रा रंगीन, चार कली को बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। कला के नाम पे बड़बड़ा कर रहा है तो अपनी बाल डाई कर आते आगे। साहिबे आलम, मेरे बालम, मैं आपकी अनारकली, जूही कली। सेकू अपनी हदों में रहो। लगता है फिर किसी न किसी आशिक की मोहब्बत अधूरी रह गई। सेकू हमारे रहते तुम अनारकली से इश्क नहीं कर सकते। फाइन आप कर लीजिए। अक्कू सेकू क्या सेकू सेकू आपकी सुनो या अपनी आंखें से तू। उफ, इन्हें सजा सुनाइए और तकलीफ कीजिए। अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। कौन सी दीवार, गुसल खाने वाली या बावर्ची खाने वाली? हमारी वाली। अक्कू सेकू चार महीने में 50 टाइम तुम मेरा प्ले देख चुकी हो, तुम्हारा मन नहीं भरता? मैं प्ले नहीं, तुम्हें देखने आती। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल से नहीं आऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी रे, आना तो पड़ेगा। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे प्ले में तुम्हारे साथ एक्ट करूँ, मजा आएगा ना? अरे तू इंस्पिरेशन है रे, तुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है रे? हर बात का जवाब है ना तुम्हारे पास? तेरा ही जवाब नहीं है। जी सर ऑर्डर प्लीज। अरे ये रेस्टोरेंट है अदालत नहीं, या दिल मिला करते मुजरिम नहीं, ऑर्डर नहीं फरियाद लेके जा और कॉफी लेके। सर हॉट? अरे जाग लगी हो, घी नहीं डालते। कॉफी ले गया ठंडी। ओके सर थैंक यू। तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। दिखाओ। अच्छी पसंद है, नॉट बैड। वो किसके लिए है? वो अपनी बीबी के लिए लाया। अच्छा मेरे लिए भी और उसके लिए भी गिफ्ट? हाँ लॉयलिटी तो बनती है। ताकि गिल्ट कम हो। गिल्ट हो ही नहीं किसी तरह का। अच्छा? हाँ वो समाज सेवा करते करते पति सेवा कब भूल गई उसे पता ही नहीं चला। गगन, I think you're getting naughty. अरे you never give me chance, hottie. आजा। चलो दिया चांस। थैंक यू सो मच। चले ये ले। इसे पहन ले प्लीज।
क्या है ये? आर है पार है, आजकल के पतियों के नए विचार है, क्या तुम्हें स्वीकार है? गगन तुम पागल हो गए हो? हाँ। इसे पहनने के लिए है क्या? देखने के लिए तो है। Once in a week it is must. What about Gagan Kapoor's last? मेरा मूड नहीं है। तेरा मूड नहीं है? तो नया चक्कर चलाओ। चला। हैं? देख ले, तू उड़ते हुए तोते के मिर्ची डाल रही है। वैसे तेरा पति तुझे नाइटियां लाके नहीं देता? साड़ियां लाता है, जो मैं नहीं पहनती। मिला कहाँ तुझे ये आइटम? मुझे ना शादी करने का बचपन से बहुत शौक था, तो कॉलेज में इसका रिश्ता आया। मेरे मम्मी पापा ने कहा थानेदार है, खुश रहेगी, कर ले शादी। मैंने भी सोचा दबंग का सलमान खान होगा, अच्छा होगा। फिर सलमान खान तो दूर की बात है, मेरे जो बड़े चाचू है ना वो भी इससे छोटे दिखते हैं। बिंदु जी, ये रहा आपका सरप्राइज। तो ये है आपका सरप्राइज? आप मुझे लोगों की कब्रें दिखाने लेकर आए हैं? कब्रें नहीं बिंदु जी, मकबरे। और ये कोई ऐसे वैसे लोगों के मकबरे नहीं है, ये राजा बादशाहों के मकबरे हैं। ये फिरोज शाह का मकबरा है, उसे यहाँ दफनाया गया था। पता है उसने ना अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। यार ये अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों? उम्र में तो मैं भी तुझसे बड़ा ही हूँ ना। गगन तुम्हारी बात अलग है। क्यों, मेरे क्या सिंह निकले हुए? मजाक मत करो, मुझे ना तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ना मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। कब तक प्ले देखती रहोगी? कभी वो स्क्रीन प्ले भी पूरा होगा कि नहीं? अच्छा सर, आपका बिल। बहन के टक्के तो मुझे बाहर मिल। सर बात तो सुन लो। नहीं नहीं यार, हद है यार, कुछ भी नहीं सही पड़ा। राजीव भाई क्या लाऊं? जहर खिला दो भाई थोड़ा। भाई क्यों मजाक कर रहे हो, बताओ ना क्या लाऊं? भाई चाउमीन मिलता है ना, चाउमीन ही लेके आओगे? एक प्लेट चाउमीन ला दो। अच्छा और कुछ ठंडा गरम? नहीं भाई सादा पानी ला दो। भाई सादा पानी तो आज से आपके लिए बंद। क्यों? क्योंकि आज से मैं आपको पिलाऊंगा पवित्र का पानी, आप ही की कंपनी का। अरे कल ही लगवाया तो मीर भाई से। बंटी हाँ मुझे एक बात बता, कितने रुपए प्लेट चाउमीन है तेरी? भाई 40 रुपए की, पर हुआ क्या? और मैं कितनी प्लेट खा लेता हूँ महीने में? भाई 20 एक तो खा जाते होगे, पर हुआ क्या? तो साल की कितनी की बनगी भाई? भाई 240, पर हुआ क्या? अगर 40 रुपए की तेरी प्लेट है, 240 मैं साल में खाता हूँ, तो कितना धंधा दिया मैंने तेरे को? भाई 9600, पर हुआ क्या? बैंड के दीने, जब 9600 का धंधा मैंने तुझे दिया है, तो 8000 का धंधा तू मुझे नहीं दे सकता था, मुझसे नहीं लगवा सकता था प्योरीफायर? भाई ठंडे हो जाओ, ठंडा पिलाता हूं। ठंडा भाग यार। भाई भाई देखो आप गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। यार नाराज ना, नहीं नाराज हूं मैं, उतरवा दूंगा, मैं उतरवा दूंगा। ओ उतार यार इसको यार। ओ भाई रहने दे। अच्छा रुक जा भाई, वो तो जबरदस्ती समीर ने आधे दाम पर खराब होगा ना, तो मुझसे चेंज कराइयो। मैं आप ही से कराऊंगा, लेकिन समीर ने जबरदस्ती लगा दिया ना आधे दाम पर, क्या करता बताओ मैं? अच्छा चाउमीन मेरी तरफ से आज कॉम्प्लीमेंट्री प्लीज भाई। हाँ और चाउमीन बनाओ भाई के लिए। हेलो नमस्कार जी। सेल्समैन दिखते हो, क्या नजर है आपकी। मनचंदा को जानते हो? नहीं भाई साहब, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। जल्दी से मिल लो, फोन में कॉन्फिडेंस भर देते हैं। मनचंदा एक ऐसा हाथ है जो मुट्ठी बंद करके उंगली से जहां इशारा कर दे, समझ लेना सफलता वहीं खड़ी है। जय माता दी, जय पिता दी। दोस्तों ना मैं सौतन से छुटकारा दिलाता हूँ, ना पुराने प्यार को वापस लाता हूँ, ना ही वशीकरण का स्पेशलिस्ट हूँ, ना ही जादू टोना तंत्र मंत्र का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन वो जो चीज है ना जिसको कहते हैं पैसा, क्या कहते हैं? पैसा। तेरी जोर से बोलोगे तो ज्यादा आएगा। पैसा। फूल। सर अब इसमें जिस बंदे का कॉन्फिडेंस हिलाओ वो क्या करेगा? चल तेरी जात। कॉन्फिडेंस जिसका हिल जाता है उसको मनचंदा मिल जाता है। किस किस का हिल जाता है? प्यार में धोखा खाए इंसान का हिल जाता है, रोज रोज बॉस की अल्टीमेटम और गाली खाए इंसान का हिल जाता है, या आपके व्यापार को कोई दोस्त लेके चला जाए तो हिल जाता है। ऐसे में इंसान की शकल मुंह बिना तले भटूरे की तरह हो जाता है। सर इसमें भटूरे कहां से आ गए? अरे अपने आजू बाजू देखो, खुद को देखो, गले सड़े गलेले सब भटूरे ही तो बैठे हैं सामने। देखो देखो
जैसे धोती पहन के कोई भी गांधी नहीं बन जाता है, चिकनी चमेली पर डांस करने वाली कोई कैथलिया नहीं बन जाती है, वैसे ही टाई सूट बूट फॉर्मल पहन के इंग्लिश बोलने वाला सेल्समैन नहीं बन सकता है। ओए लाल बाल के पर्पल शर्ट इधर रेड हेयर कम हेयर। मैं दूर से ही अनसक्सेसफुल आंखों को पहचान लेता। तुझे तो कुछ खासी जरूरत है पापे, तू ऐसा कर एकांत में मुझसे मिल, ठीक है? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्या लिखा है? स्माइल। बस स्माइल पहनना बहुत जरूरी है, भले ही टाई पहनो मत पहनो स्माइल पहनना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑन द स्पॉट अप्लाई करना शुरू कर दो तुम। अबे हंस रहा है कि रो रहा है? सर मुंह ही ऐसा। चेंज कर दो मुंह ना, स्माइल नाम से के खूबसूरत भूत ठिकक भंगेड़ी मच्छर। बस एकदम होल्ड कर एकदम ऐसे ही भोला भाला जादू कर दो सब पर, जादू कर दो। कैसे सर? मेरा तो एक भी प्योरीफायर नहीं बिका। क्या लिखा है? शिप रिलेशनशिप। भूल गए पागल? ना समझ को समझदार बताओ, मूर्ख को बताओ ज्ञानी, अव्वल नंबर का ज्ञानी। आओ दिखते ही कॉम्प्लीमेंट देना चालू कर। क्या शर्ट, क्या जूते, क्या बैग, क्या बाल, चाचा नाना ताया सब कुछ। लड़की है तो बोलो हीरी, मतलब रिश्ता कायम हुआ नहीं कि प्रोडक्ट बिका। सर मेरे से ना रिश्ते ही नहीं निकलते। अच्छा पूनम ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। प्रेम रोगी हो? फोटो वोटो रखे हो कि बेच दिए? यार एकदम ब्रांडेड है, अच्छी दिखती है। लास्ट टाइम क्या मांगा मैंने? तू क्यों मांगे भाई? उसने क्या मांगा? जारा के सैंडल। बस तुम जारा से बड़े जारा बन जाओ, फिर देखना लड़की तुम्हारी, सैंडल तुम्हारा और जारा भी तुम्हारा। मतलब मैं सोनम को पा सकता हूँ? सोनम? अरे आलिया पादुकोणे इवन अनुष्का। मतलब सही कह किसी ने कि अगर कोई उंगली पकड़े तो लप के उसका कंधा पकड़ लो। करेक्ट, नहीं है ये। स्मार्ट बनो यार, ओवर स्मार्ट मत बनो। अति जो है ना गति को ब्रेक लगा देती है। बटर उतने ही लगाओ जितना खा पाओ, ऐसा ना कि बटर लगाए और फिसल जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? बस निकालो कितने पैसे। सर आप ना एकदम भगवान जैसे लगते हो। ना ना भगवान ना, मैं रिटायर्ड सेल्समैन था, उम्र सेल्समैन। सर वो आपने कहा था क्लाइंट टिप भी देंगे, वो एक्चुअली आखिरी 5,000 थे ना तो आपको दे दिए। ये रखो, बेला गगन कपूर इनका है प्यूरीफायर नहीं, बॉटल से ही लास्ट टाइम पानी पिलाया। इनका एक भाई होता था कपूर, चला गया। कहाँ चला गया? चलते ही चला गया। अब जब भी तू इनको फोन करेगा या इनके घर जाएगा क्या नाम बताएगा? कपूर। करा पर सर मैं लाइफ का पहला प्योरीफायर बेचने जा रहा हूँ और झूठ से शुरुआत, आपने तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिया। हेलो धर्मात्मा, तूने महाभारत का 67वां एपिसोड देखा है? नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण? ये सब चाचा मामा ताऊ के लड़के हैं, कैसे मारो? कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म किए जाओ, कर्म को धर्म से अलग रखो, ये तेरा कर्म क्षेत्र, तुझे कर्म करना होगा। सर आज के बाद ना मैं किसी भी ग्राहक को ना प्योरीफायर नहीं बेचूंगा। क्यों? सर मैं ना अपने चाचा ताया मामा फूफा भाभी इन सबको प्योरीफायर बेचूंगा। सर मैं ना मतलब पूरी दुनिया में प्योरीफायर बेचूंगा, पूरी दुनिया में मेरे प्योरीफायर लगेंगे, मैं झंडे गाड़ दूंगा पूरी दुनिया में मेरे झंडे लगेंगे। बोलो झंडे वाले बाबा की जय। हेलो सेल्समैन है तू, फौजी मत बन, झंडे गाड़ने लग गया। अरे सर आपको नहीं पता आपने मेरे साथ क्या करा है, आपने मेरे को कितनी एनर्जी दी है, मेरे शरीर के अंदर ना इस पर एनर्जी का ना इसे बोझा रही है। देखो मेरे हाथ के बाल सारे खड़े हो गए, मेरे पैर के बाल सारे खड़े हो गए, मेरी छाती। बस 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 बात, तुम्हें नंगा होना अच्छी बात नहीं है। फोन लगा बेला को। गप्पू फोन लगा बेला को, जा 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 जल्दी जल्दी फोन लगा बेला को, निकल ले चाय। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नींबू डाला? जी। पेट डाला? जी हाँ डाला। दालचीनी? दाल और चीनी दोनों डाला। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी दीदी, आप बेला जी बोल रहे हैं ना? हाँ बेला बोल रही हूँ, आप कौन?
हाँ जी, मैं ना राजीव बोल रहा हूँ पवित्र पानी प्योरीफायर से। मेरे को ना आपका रेफरेंस मनचंदा जी ने दिया था। आपने घर में प्योरीफायर लगवाना है ना? प्योरीफायर तो लगवाना है, वो क्या ना किचन का पानी बड़ा खा रहा था। अरे दीदी, पूरी दुनिया का पानी खा रहा हो गया आजकल तो। तो फिर पूरी दुनिया के लिए प्योरीफायर बनाओ। प्योरीफायर तो रेडी है दीदी, बस फिटिंग करनी बाकी है। तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा ना वैसे राजीव नाम है दीदी, लेकिन घर पे ना सारे प्यार से गप्पू गप्पू कह के बुलाते हैं। दीदी? हेलो दीदी, आप हो? कुछ नहीं, मेरा भी भाई गप्पू था। उन्होंने फ्राइडे तक का मुझे अल्टीमेटम दिया है, मुझे प्योरीफायर बेचना ही बेचना, लगाना ही लगाना है। तो दीदी, अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कल तो मेरी एनजीओ की मीटिंग है और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, और परसों मैं शिमला जा रही हूँ। ओहो, तो दीदी अब कैसे करें? अच्छा सुनो, तुम ना परसों फ्राइडे के दिन आ जाओ। मैं नहीं रहूंगी पर मेरे हस्बैंड होंगे। तुम कहना मैंने भेजा है और आके प्योरीफायर लगा दो। परफेक्ट दीदी, सही है। आप जीजू को कह देना गप्पू आके प्योरीफायर लगा देगा। मैं जाकर फिटिंग वगैरह सब अच्छे से कर दूंगा दीदी। और आप जैसे ही वापस आओगे ना, मुझे आपसे मिलना ही मिलना है दीदी। और इस बार ना राखी आपसे मैंने बंधवानी है दीदी, पक्का से। ओके राजीव। अरे दीदी, मैं ना दुनिया के लिए राजीव हूँ। आप मुझे ना गप्पू बुलाया करो। और आपको पता है आपका ये भाई ना पूरी दुनिया से लड़ लेगा, टेंशन ना लो। और ना दीदी, आप शिमला जा रहे हो, प्लीज वहाँ बहुत ठंड होती है, कंबल वगैरह ले लेना। सर्दी का ना थोड़ा ख्याल रखना। यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट जर्नी दीदी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है गप्पू, थैंक यू, बाय दीदी, बाय। हेलो, किथे कहाँ जा रही हो? अरे वो ना कल हमारे एनजीओ का मेडिकल कैंप है शिमला में, सुबह ही निकलना। तू बताती भी नहीं है। आजकल हम एक दूसरे को वक्त ही कहाँ दे पाते हैं कुछ कहने सुनने का। सो जाओ, गुड नाइट। उफ़ो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मतलब क्या कलर है, पता है मेरा फेवरेट कलर है। मेरा तो छोड़ो, मेरे सिस्टर का फेवरेट कलर भी ब्लू ही है। और आप भी तो मेरे सिस्टर के जैसे ही हो। भाई 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 भाई, परसों का रेंट याद है ना देना है? सन्नी मेरा ना दिमाग ना खराब कर, आज फ्राइडे है और अगर आज मेरा प्योरीफायर नहीं बिका ना, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे और सोनम भी के हाथ से। सोनम गई भाई, बताया क्यों नहीं है? दारू शारू लाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, मजा आ जाएगा। तू पागल है क्या थोड़ा? तेरा दिमाग वगैरह ठीक है? वैसे भी तू सोनम को डिजर्व तो करता नहीं, क्या पटाखा लौंडिया लेकर घूमता था यार, तकलीफ हमको होती थी। किलस किलस के हाथ, आई मीन दिल में दर्द हो जाता था। हेलो सर, अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। ज्यादा मीठा मत बन, बोल। सर पहले तो यू नो दिस शर्ट, इट्स अ वेरी नाइस शर्ट, इट इज सूटिंग यू सो वेल ऑन यू। आपने एकदम यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। रियली? हाँ जी सर, आप ऐसे लग रहे हैं मतलब जैसे एकदम बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वैसे दिख रहे हैं। अच्छा, और मैंने आपको बताना था कि मैं ना आज प्योरीफायर लगा के ही आऊंगा। हाँ, जरूर लगा के आना, एक ही दिन बचा है तेरे पास। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको खुद पर विश्वास हो ना तो प्योरीफायर तो बहुत छोटी सी चीज है। जब भागीरथ जी गंगा जी को स्वर्ग से ले आए थे तो राजीव छाबड़ा प्योरीफायर नहीं लगा सकते। एक दिन वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया तो बाबा लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं सर, दिस इज इनर एनलाइटमेंट। चलिए सर मैं निकलता हूँ एंड आई विल कम बैक विद द चेक। हाँ चेक जरूर लाना, नहीं तो एनलाइटमेंट बुझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट सर, यू हैव अ वेरी नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। सर कॉफी भेजवा आपके लिए। माकड़, एक दूध वाली कॉफी लाइए सर के लिए। सी यू सर। अनु क्यों है? क्या हुआ भाई, बड़ा खुश लग रहा है? स्माइल पहननी जरूरी होती है, चाहे टाय पहनो ना पहनो। व्हाट, गुड डे। इसे क्या हो गया? अपना ख्याल रखना, मैं कल तक आ जाऊंगा। पक्का कल तक ही आओगी ना? मतलब? मतलब के टेक योर ओन टाइम डार्लिंग। और हिचकी आए तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें याद किया है। सो क्यूट। अच्छा सुनो, घर का ख्याल रखना।
और अपने शो की रिहर्सल अच्छे से करना। ऐसी रिहर्सल करूंगा जो आज तक कभी नहीं की। बाय बाय। तू जाए तो वो आए, वो आए तो हो जाए। अच्छा भाई ग्रेटर कैलाश ने C42 आ जा। हाँ भाई भाई लेट मत हुई भाई, अब बड़ी देर बाद और बड़ी मुश्किल के बाद तो बिक रहा है मेरा प्यूरिफायर। ऐसे न गिरा दामिनी मधुभाषिनी मृगलोचनी, प्यार का आरंभ कर इतना सोच नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम गगन। तो काम भी इंटरेस्टिंग करता हूँ। तुम अलाउ तो करो। गगन मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। हाथों से पिलाऊं, होठों से पिलाऊं, तुम कहो तो हांडा हो जाऊं, लोटा बन जाऊं। इतना प्यार करते हो। इतना कि जितना नदी में पानी, समुन्दर की रवानी, रांझे की कहानी, मीर की जुबानी। कहाँ है पानी? समुंदर से सीधा बॉटल। मेरी पैर खराब है लगाना। अच्छा यार समझ गई। हाँ लेकिन मेरी तो बढ़ गई। गगन जो कांड कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं? अरे जवानी में से प्यार परे कांड करने चाहिए, वरना बुढ़ापे में गंगा में जाके धोएंगे क्या? अच्छा लगा ना मुझे भी। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे है, माता को सब प्यारे है। कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं? वो मुझे कह कर गई है कि आज नहीं कल आएगी। She can't break my trust. आज छुट्टी होती तो अच्छा होता। ए बिना ब्रेक के टू व्हीलर अंदर कहाँ घुसे जा रही है? सब सालों से तो मैं ऐसी घुसती हूँ, आज तक तो आपने टोका नहीं। हाँ पर आज तू गलत टाइम पे आई है, राइट नहीं है। साहब एकदम सही टाइम पे है, देखो ना 10 बजे है। हाँ पर तेरी छुट्टी है, जा तू ऐश कर। साहब ऐश तो हमने कल कर ली। साहब आज हम छुट्टी नहीं करेंगे, सफाई नहीं की तो दीदी डांटेगी। सफाई तू मुझ पे छोड़ दे। सब पेड़ों को पानी देता है। मुझ पे छोड़ दे। सब कपड़े धोने मुझ पे छोड़ दे। इतनी मेहरबानी कोई तो है कहानी। है शैतान की नानी, अरे बाबा जानी। सब घर में जाके क्या करूंगी? होली मना ले। सब होली होती तो आज हम लाल गुलाबी होती। तो दिवाली मना ले। सब दिवाली होती तो आज हम पटाखा होती। तो जन्मदिन मना ले। तो वो तो आगे गया। तो बच्चों का जन्मदिन मना ले। तो अभी आएगा। गुण जात 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 बिंदु जो आई थी वो तो चली गई, लेकिन तू तो बाहर आ रहे। बिंदु बिंदु आहा बाहर निकल। बिंदु ये क्या है बिंदु? मेरे हाथ है। इन्हीं का तो साथ है।
क्या है बिंदु? ये मेरे पैर हैं। ये क्या कोई गैर है? ये क्या है बिंदु? ये तो मेरी कमर है। इसी पे तो नजर है। ये क्या है बिंदु? ये मेरे गाल है। अरे इन्हीं का तो बवाल है, असी तेरे नाल है। ये छुपा छुपी का खेल खत्म हो गया हो तो हाँ। हेलो सर, मैं हनी। तो क्या चाटू? नहीं सर, मेरा नाम हनी है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। सर हम लोग दरअसल पल्स पोलियो अभियान की तरफ से आए हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? अरे आप लोग चांस तो दीजिए, मैं तो बच्चों की लाइन लगा दूंगा। सर मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन हाँ ये कुंवारी है। ए, तू चांस देगी क्या? नहीं नहीं, मनोज बुरा मान जाएगा। इसे मनोज के पास जाने दे, आप दोबारा कर ले और कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। बिंदु बिंदु, अरे बिंदु बार, अरे बिंदु, अरे इस तरह पर्दे के पीछे छुप के प्यार नहीं होता। प्यार करने के लिए मर्द का सेना पौलाद के बाजू और हसीना का दिल चाहिए। बिंदु लो आंखें मंगा दे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नारे क्या कौन गैस चोर चोर नहीं चित चोर यहां क्या करने आया इंतजार किसका मौके का मौका मैं समझा नहीं चोरी का मौका बाकी मौके पर सो आप चौके पे चौका लगा रहे कितना देखा बे सब सब मतलब ईच एंड एवरी सीन मी शी चोर होके ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कि तुम मालिक हो और मैं चोर हथियार लाए हो ओनली मोबाइल हाँ 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 पुलिस को बुलाऊं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट बुलाइए पुलिस को लगता है दिल्ली पुलिस के बारे में आपको थोड़ी कम जानकारी है छानबीन एक ही करेगी फाइल तीन की खोलेगी ये लीजिए 100 नंबर डायल कीजिए हो सकता है उनको मेरे अलावा यहाँ पे कोई चोर ठग अय्याश मक्कार बेवफा मिल जाए सब धरे जाएंगे एक पे दो फ्री गगन प्लीज नो पुलिस प्लीज अरे तो आर्मी को बुला लो हा? सीआईडी प्रद्युम्न सिंह को बुला लो वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम कहोगे वही होगा चोर चोर मौसेरे भाई तुम मेरे अनुज भाई मैं तुम्हारा चेस्ट भाई जीज और एक सेकंड हाउ ओल्ड आर यू 40 I'm little bit more. I am 44. तो मैं ज्येष्ठ हूँ। तुम अनुज। जो चाहिए ले जाइए। जो भी उठाना है उठाइए। इसे अपना ही घर समझिए। अपने घर में चोरी? Very bad. Call police. अरे आप इसकी बात होगी please. आप अपना काम कीजिए. Okay? हाँ जाइए चोरी कीजिए. Thank you. Good luck. प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे अरे फक्र है मुझे तुझ पे
जा। चोर है, प्लंबर नहीं है जो बाथरूम में घुस जाएगा। मालिक मुझे तो डर लग रहा है ना। तो मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ? मैं भी तो डरा हुआ हूँ ना। गगन प्लीज। माता सबको प्यारी है। आराम। कौन है भाई? भाई लेकिन किसका? बेले दीदी का भाई। आपका तो साला हुआ ना। बेला का तो कजिन था जो था हो गया। तू कब पैदा हुआ? गप्पू सेम ही भाई। ऐसे नहीं चलता है। कौन है तू? ओ सॉरी आप जीजू हो ना। लेट्स पेरी पेना। लेट्स पेरी पेना? पाव का एड्रेस भूल गया है? या तो तू नीचे झुक ले तो मैं पाव ऊपर ले आता हूँ। जीजू कितने फनी। इट्स नॉट सो फनी यार। कौन है तू? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वो क्या है ना कि बेला दीदी का फोन है। फोनों में ऐसी बात मत करे। बाद में पता चला कि आपका प्योरिफायर खराब है। और वैसे भी अगर बेला दीदी का फोन आ जाए तो मैं टाल तो सकता नहीं ना। तुम्हें बेला ने फोन किया था? हाँ। Sorry, I forgot to introduce myself. Hi, I am Rajiv Chabbra. I am calling from. I mean, I am not calling from. I am from PP Purifier, which is Pavitra Pani Purifier. आपको पता है जो हमारी RO technology है ना वो इतनी modern है और 20 liters of water storage है plus 80 liters of water storage bathroom के लिए। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है हमारे वाटर प्योरीफायर की जीजू? कि अगर हमारा पानी नहीं यूज हो रहा ना तो आपकी बत्ती भी नहीं यूज होगी, क्योंकि आपका घर हमारा घर एक ही तो है। बाय द वे जीजू, व्हाट अ नाइस टी-शर्ट, मरून कलर, मस्ट बी दीदीज चॉइस। अबे ओए, तू अपनी दीदी को अपने पास में रख, वरना तेरी जो टाई है तेरे गले में डाल के तुझे छत पे लटका डालूंगा। लोग आते आते घंटा बजाया करेंगे। देख क्या रहा है, तेरी बज रही है। इतने कहीं बेला का फोन तो नहीं है? हाँ सनी, कहाँ पहुंचा? क्रिएटर कैलाश आना तो कैलाश लोनी के पहुंच गए। तू पागल है? थोड़ी लोकेशन भेजी थी। अबे अबे यार, अबे बिना पूछे दे दूंगा, जल्दी आ यार। अबे बिना पूछे किसे बुला रहा है? अरे सन्नी है जीजू, वो ड्रिल वाला। अबे और तेरे ब्रदर इन लॉ की मैं एक मिनट। साला और ब्रदर इन लॉ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे हेड और टेल्स, अनिल कपूर और मिस्टर इंडिया, मोदी जी और मित्रों, सब एक ही तो है। ओए नौ रसों के विवस्त रस, व्याकरण में उलझे हुए छंद, बिना डीएनए के बाल विक्रम पलट के बेताल, तू चलता है कि मैं निकालूं यार? कैसे कर लेता हूँ? बेशरम गेंदे की बेहया खाल, बिना पंचों की चौपाल, तेरी सेल्सगिरी का तूने और पंच मारा ना तो ऐसा पंच मारूंगा कि पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल। गलत कहती है दुनिया, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे छुलाई ही तो नहीं करने दे रहा तू मुझे? मैंने तो पर्चा भर दिया था, सिग्नेचर ही कर रहा था कि तू तेरा पेपर जैसा मुंह लेकर मेरे घर में आ। डोंट ट्राई टू स्केयर मी। नज़दा तो है नहीं तो नाक कहाँ से टपकेगी? अबे मुंह तो हिला नहीं, साउंड कहाँ से आया? अबे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीजू। लगता है साफ सफाई चल रही है। अबे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुझे क्या करना है? चल यहाँ से, चल। जी जी ये गलत बात है ना, आप एक नौकर के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? नौकर? अबे कबाब में हड्डी छेद वाली छड्डी, तू आया तब से मैं तेरी इंसल्ट ही कर रहा हूँ, तेरे आप समझ में आ रहा है? तो आप अपना काम कीजिए, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कीजिए। तू चल निकल। जीजू दीदी घर पे, आपने मुझे बताया ही नहीं। दीदी दी वैसे जीजू मॉर्निंग में मतलब इतने रोमांटिक कैसे? तेरे पापा ने नहीं किया वैसे। जीजू आप ना बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह हो, बाहर से कड़क, अंदर से सॉफ्ट और अंदर से और सॉफ्ट, और तू चारों तरफ से चिपका हुआ ऑमलेट की तरह हुआ है, सिर्फ बीच में से पीला निकला हुआ है। यू आर सो फनी यार जीजू। हां इट्स नॉट सो फनी। वैसे आज ना मैं इतना खुश हूं ना कि मेरी दीदी ना इतने सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, मतलब Thank God you are not like my papa. अबे तेरे पापा ने अपना आपा खोके जो ये सैपा पैदा किया है, ऐसा मैं सैपा मारूंगा ना।
दीदी दीदी आप अंदर हो। अबे ए, दीदी कतरे पे दीदी बुलशिट दीदी रुक जा दीदी बस मेरे पे दीदी पर दीदी तू तो ऐसे घबरा के जैसे रैट ने रेपिस्ट है। हेलो बेला दीदी। ये कौन? दीदी मैं कप्पू आपसे फोन पे बात हुई थी ना। तुझे कैसे पता लगा ये बेला है? तू तो मिला ही नहीं इससे कभी। ले कमाल है आपसे चिपक रहे तो बेला दीदी होंगे ना। हाँ पहले तो मैंने ना आपको थैंक यू बोलना था पता है आपकी वजह से सब एकदम अच्छा हो गया। यू आर सो नाइस एंड सो काइंड इन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है। बट आप तो शिमला गए हुए थे तो अचानक वापस कैसे मतलब कैन एक्सप्लेन। आ गई थी मुझे मिस कर रही थी आ गई। तू अपनी देख तुझे क्या है? अरे तो अच्छा ही आ हाँ सनी कहाँ है? तू तो बेला समझने लग गया तो बेला ही बने रहना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बकवास चल रही है मैं घर जा रही हूँ। भाई यहाँ लोग प्यासे बैठे जल्दी आना सनी। नहीं क्या कर रही हो यार ऐसे कैसे यार? दीदी क्या हो गया यानी प्रॉब्लम? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आप जाइए प्योरीफायर लगाइए। नो 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 बिग 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 प्रॉब्लम। हेलो तुम बाहर निकलो यहाँ पे। ए जीजू मेरे को आज ही प्योरीफायर लगाना है। तू मुझसे डिस्कस नहीं कर प्लीज। मेरी दीदी से बात दीदी प्लीज मेरे से मत करो आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या लेना देना यार तू बाहर चल। लेकिन तुम इसके सामने मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तुम इसके सामने मुझसे झगड़ा कर रही हो? आप दोनों मेरे सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो? अबे क्या है यार तुझे करना? ये मेरा घर है मेरी बीवी है तू जो चाहे मैं करूँ। ठहरो तुम बाहर निकलो। एक मिनट मेरी दीदी कहीं नहीं जाएंगे। और जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बिहेव कर रहे हो। पापा? मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ऐसी बात करते हैं। अबे तेरा तो बहुत हो गया अभी तेरा मैं बैंड बजा दूंगा। मैं अपने मम्मी को मुश्किल में नहीं देख सकता। ये नोकीला है धार वाला लग जाएगा तो लग जाएगी। पापा मम्मी रुको ये क्या चल रहा है? मारूंगी तो क्या हाथ में दे दूं? तू हमें नहीं मारेगा। अबे तू ये चुंदू कहां से लेके पड़ गया? ए ए ए क्या कर रहा है? अबे खेल रहे ए ए ए धार फेंक। ए अबे समझ नहीं तो अबे यार तू पीछे नहीं लगना चाहिए। छोड़ दो जीजू मैं तुम्हारी सॉरी सॉरी दीदी दीदी I'm really sorry मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया था दीदी। अभी अभी वैसे ना सब ठीक हो जाएगा पक्का। अभी इस घर में पवित्र पानी आएगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारा ना साइकोलॉजिकल होता है इमोशनल नहीं होता मतलब। ये बात ही कुछ और है बात समझ नहीं रहे हो ना। ये समझेगा भी नहीं ये पवित्र पानी। तू अपनी पवित्रता से बाहर निकल वरना मैं ये पवित्र चाकू तेरी पवित्र कमर के नीचे ऐसी पवित्रता से घुसाऊंगा कि तेरी पूरी पवित्रता बाहर निकाल दूंगा। ए पवित्र तू चल बाहर चल। ए बिंदु चल बाहर। बिंदु ये बिल ए तुम्हें तू क्या कर रहा है? वो बेफर बिंदु नहीं बेफर बेला है। मैं उसको प्रेम से बिंदु बुलाता हूं। तेरे पास क्या प्रॉब्लम है? बिंदु यही तो प्रॉब्लम है आपकी यार। आप जीजी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना यार। आप तय भी कैसे लेते हो? बस यही तो मैं समझ गई। तू उसको क्या समझा रही है यार? तू चल बाहर निकल। ए तू सब भाजन मैं तो मार दूंगा तेरे को। मार दो मार दो मुझे मार दो खत्म करो ये किस्सा। मैं पागल हो गया यार। अब दीदी आप आपकी आंखों के सामने मैं ये घर बर्बाद होता हूं नहीं देख सकता। इस घर के लिए मर रहा हूं तो मर जाऊंगा। मार दो मारो मारो। और ये कहना कैसे मरेगा? ऐसे या ऐसे? Excuse me, I have done my job. मेरे को पास बहुत सारा सामान है और मेरे को टेम्पो चाहिए। प्लीज कोई मेरी हेल्प करेगा? ठीक है ये पानी साफ करने की मशीन है मेरी खराब हुई। अपने साथ ले जाओ। वेरी गुड। भाई साहब क्या हो रही है मतलब क्या हो क्या रहे जीजू कौन आदमी मतलब सफाई वाले की चोर है कैसे ऐसी ले जाओगे? बाप का राज ऐसी ले जाओगे कैसे ले जाओगे? यो शट अप बुलशिट। तो शट अप। जब तो महान चोरों के बीच में गठबंधन चल रहा है तो तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या बोला कौन है तुम्हारी दीदी? दीदी आपकी फाइल को नहीं प्लीज मैं बताती हूँ इसको कि आप किसी और का सामान हो और ये किसी और की सामग्री। अरे यार ये मासूम बच्चा है यार इसको क्या मामले की हालात और गंभीरता समझ नहीं रहा। तुम तो हालात और गंभीरता दोनों समझते हो। तो उठाओ ये प्यूरीफायर एंड यू आर फायर्ड। ओह माय गॉड। ए बैठ। कौन है कौन तू पहले ये बता। मैं बिजू कालिया कॉर्पोरेट चोर छिप छिप का चोरी मैं करता नहीं किसी भी मकान मालिक से मैं डरता नहीं।
जीजू आपका ना जमीर मर गया। तेरा जिंदा? हाँ। ले तुम मार ले। क्या कर रहे हैं आप? He's crack. कैसी बातें कर रहे हैं? Crack? अरे जो अरे प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं तू crack। नहीं तू crack। तेरा भाई ना crack। तेरा मैं crack। नहीं तू सी crack। अरे पूरा बल्ला crack तुम्हारा। छोड़ो मुझे। आई कैन यू पिप पिप पैन पैन रुक जाइए प्लीज। नहीं नहीं। अरे क्या कर रहे हो छोड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो छोड़ो। ए मेरा हाथ छोड़ छोड़ मेरा हाथ छोड़ प्लीज मेरा हाथ छोड़ मेरा हाथ छोड़ छोड़ मेरा हाथ छोड़। सो नाइस हैं। हैंड्स अप। सॉरी। हैंड्स अप। हैंड्स अप। अब आ चॉप्ड। हैंड्स अप। चला नकली है। चीटिंग। आई एम सरेंडर। छपेगा तेरा कैलेंडर। ये बेहोश है कि मर गया। 14 साल की सजा होती है जीजू और पत्थर अलग से तोड़ने पड़ते हैं। सांस चक्कर। आई डोंट थिंक ही इज ब्रीदिंग। तो मुंह से सांस दे। इसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देखा है? गुटखा खाता है। दीदी आप दे दो ना। व्हाट नॉनसेंस। तो बिंदु से प्यार नहीं करता? बिंदु या बेला? इफ यू डोंट माइंड तो दे सकते हैं। गगन यार एक मिनट स्टॉप फाइटिंग। दीदी ओनली फॉर यू। माता संगो प्यारी है। मैं चेक कर गया तो घुरू इसको ठिकाने का लगाना है। अरे मैंने ये सब पहले ढूंढना करे। तो मैं क्या डिग्री हासिल की हुई है? उड़ा बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अबे दरवाजा है पजामे का नाला नहीं है जो डोर खींचे और पतलून नीचे। काम क्या है? लगता है सर कुछ इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए थे। हाँ मैंने किसी डाकू के पकड़ लिया लास्ट ठिकाने लगा रहा था। गुड जोक सर। सर ये कुरियर बेला कपूर जी के नाम का है आप उन्हें बुलवा सकते हैं? वो बाहर गई हुई लो। सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हाँ पंडित है। मैंने आपका प्ले देखा है जिसके आपने 150 शो किए थे। फाइन। फिर कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? अभी नहीं फिर कभी लेंगे। अच्छा निकाल। सर नो पाउट प्लीज। नाइस आइडिया। सर नो लुक बाजी सर। अरे वो कौवा नजर आ रहा है गोल्ड वाला। सर मैंने तो सिर्फ काला कौवा देखा है सर। जीजू ये कौन है? तूने पूछा है तो ले। ये मेरी पत्नी है। पूछा तो फिर ये कौन है? नहीं ये मेरी पहली पत्नी है। ये तो कुछ दिन पहले ही मिली। अरे लेकिन ये कहाँ गए? तुम कुंभ के मेले में गए हो कभी कि नहीं? नहीं लेकिन मैंने सुना है वहां पे अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। पूजा भी कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। तो आपने ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा पर पूजा कहीं नहीं मिली। तभी आप बेला दीदी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाते हो। और ऐसी बेला दीदी आपकी जिंदगी में? जीजू मैं सोच रहा हूँ सोनम के जाने के बाद ना मैं भी किसी से दिल जोड़ लूँ। जोड़ ले पर मुझे अकेला छोड़ दो। बेला दीदी और आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ हाथ पकड़ो एक दूसरे का। अब आप एक दूसरे को हग करो प्लीज। ना करो हग करो।
गगन मेला? तुम ना एक मिनट चुप करो गगन, ये लड़की कौन है? कौन है? बता दूं? नहीं प्लीज, मैं समझाता हूं। तुम आई, देखा क्या हम दो चिटके हुए तो तुम्हें ऐसे लगा जैसे और शक्कर भी क्यों नहीं, कोई भी बीवी अपने पति को किसी गैर स्त्री के भाव में नहीं देख सकती। धोखा ही नहीं, नेत्र मात्र का भ्रम देवी जी, भूल जाइए। मैंने पूछा ये लड़की कौन है? शास्त्रवचनम्। वाह, पुरुषस्य भागम स्त्रियम चरित्रम देवो न जाने कुतो मनुष्य। मतलब? अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते तो मनुष्य की क्या दशा। मैंने पूछा ये लड़की कौन है? जगत माता, किसी न किसी की बेटी है, किसी की होने वाली बहू है, दादी बहन है। ये लड़की कौन है? ये इसकी बीवी है। I'm speechless. No, you have to give a big speech. She's your wife. ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है ना, कुछ बताते ही नहीं है। देखो कैसे दूर दूर भाग रहे। इलाही, जब तक हमारा अफेयर चल रहा था ना, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। आपको पता है? मैं जूस लाने कहती हूँ तो दूध लेकर आती, मैं दूध लाने कहती हूँ तो दही लेकर आती, मैं दही लाने कहती हूँ तो पनीर लेकर आती। कुत्तो कैसी फोड़ना, मैं आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ दीदी। हेलो, तुम कौन हो? दीदी वो मैं पीपी प्योरीफायर से प्योरीफायर लगाना था, हमारी बात हुई थी ना फोन पे। गप्पू? हाँ, अच्छा तुम गप्पू हो। अच्छा तुम तो आ गए प्योरीफायर लगाने, तुम्हारी बीवी क्यों आई? वो क्यों क्यों आई? क्यों आई बे? क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। ए तू क्यों नहीं आ गए? अरे मैं क्यों हूँ? सुबह से पता है मेरे से लड़ी जा रही है। दीदी मेरे को नाश्ता तक नहीं दिया इसने। अरे तू इसे नाश्ता क्यों नहीं देती बे? सूख गया है। मैं नाराज थी इनसे। तू नाराज क्यों करता है उसे बे? मैं अपने सारे घर के राज खोल दूं क्या? अरे बस हो गया ना, मतलब नहीं है कुछ है, आप बताओ ना, आपने तो फोन किया था उसे। मैं? गगन तुमने इसकी बीवी को बुलाया? अरे यार ये प्यूरीफायर लगाने आया था तो मैं क्या, चल निकल भाग। तो कहा कि नहीं, बेला ने कहा नाम गप्पू है। मैं इमोशनल हो गया। तुम्हें तो पता एक्टर कैसे होते, कैसे होते? बहुत इमोशनल होते। तुम्हें कहा आयो तो लगा दो। गगन ये तो आया प्यूरीफायर लगाने, तुमने इसकी बीवी को क्यों बुलाया? यार ये झगड़ा कर रहा था इससे फोन पे कि मैं नौकरी पे जाऊंगी तेरे साथ घर पड़ा रहा हूं। तो मैं कहा यार शादी की है तो निभाओ मेरी तरह, ये क्या है? और ये इसे फोन पे फोन किए जा रही है, घर आ जाओ घर आ जाओ घर आ जाओ। ए तू इसे फोन क्यों कर रही थी? क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है और ये आज के दिन भी मुझे अकेला छोड़ के यहां काम के लिए आ गए। बैठो ना, ऐसे भी कोई करता है दीदी? तुम्हारी एनिवर्सरी है और इसको यहाँ पे आना पड़ा। पर पति किसके लिए कमाता है? पत्नी के लिए ना। और तुम इसे नाराज मत हुआ करो और इसे नाराज किया भी मत करो। क्या है? कुछ भी नहीं,
सही कह रही हो तुम। एक और बात, तुमने इसको गले क्यों लगाया था? बेला, आपने गगन पे शक किया? शक वो कीड़ा होता है जो शरीर को, रिश्ते को, पूरे घर परिवार को खा जाता। गगन, I'm sorry, I'm so sorry, गगन, please मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो बीवी या पति से बहुत प्यार करती है ना, वही शक करती है, और मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूलूंगा। I love you. Love you. Love you. पर तुम जो शिमला गई थी, तुम घर कैसे आ गई? ओ शिट, अरे मैं गाड़ी चला रही थी और फोन पे बात कर रही थी, सामने ऑटो वाला आया, अब उसको बचाने के चक्कर में मैंने टेम्पो वाले को ठोक दिया। He is waiting for me, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लेके जाना। तूने एक्सीडेंट कर दिया? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे देखो, अंदर ढूंढती हूँ। गप्पू बिंदु, जस्ट फील दैट। चीचू, चीचू आपको जीजू कहते हो ना, मुझे शर्म आती है, आप ऐसा कर कैसे सकते हो? मेरी दीदी का घर कैसे उतार रखते हो आप? पता है आप दो नंबर के जुगाड़बाज आदमी हो, आपका दिल्ली का पता होगा। हाँ, मुझे चलना चाहिए, इतनी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे? आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ में ये मुंह क्या रहे, कौन सा एंगल है ये? ये एंगल नहीं है, ये लेफ्ट एंगल है। जब तक तू बड़ा नहीं होगा तुझे कैसे समझ में आएगा? अरे यार क्या हो रहा है, मैं कोई सब देख लेता तो मैं हिमाचल चले जाता। अबे तू मुझे कह, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। इसको जहाँ जाना है जाओ, मैं तो घर जा। अरे ऐसे कैसे जाएगी वो बाहर निकले, उसे क्या जवाब दूंगा? उसे पैसे लेकर चले जाने दो, उसके बाद तुम चले जा। मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। कैसे कर लेते हो आप ये सब? मैं कैसे नहीं करूंगा? तूने महाभारत का 67 एपिसोड देखा है? आपने भी देखा है? सबने देखा है। तेरी बेला दीदी है वो, बेला दीदी है वो। मैं तेरे एक नहीं 5 प्यूरीफायर लगाऊंगा, पर अपनी बेला दीदी का घर टूटने से बचा ले। जो आपने ना 4 जिंदगियों का रायता बना के रखा, अब पता नहीं और कौन रायता खिलाने आ गया। प्लीज गोविंद जी, मेरी जान आ गया तेरा भाई। भाई वापस चले गए, एहसान कर रहे हैं क्या? फिर बुलाया क्यों? अरे कहां बता, पौना घंटा लेट आते, समीर का फोन तो झट से पहुंच जाते। गुस्सा तो होइए मत। चुपचाप फटाफट अपना काम करेंगे, ड्रिल करके निकल जाएंगे, बड़े लोग हैं, बुरा मान जाते हैं। सनी, ये मेरे जीजू हैं और ये मेरी बहन। जीजू बहन? जीजू ये सनी है, मेरा ड्रिल वाला दोस्त, और आपको पता है हमारी छतें भी सेम है, मैं जितने भी प्योरीफायर लगाता हूँ ना सबकी ड्रिल यही करता है। यहाँ पे 5 प्योरीफायर लगा रहे जीजू, कन्फर्म कर। 5 नहीं 15 लगवाएंगे, बेला के ऑफिस में ही नहीं उसके एनजीओ में भी लगवाऊंगा। अबे तू तो हिमाचल का था, तेरे छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी भूख थी, छोटी छोटी रोटी थी। हाँ तेरे छोटा दोस्त आ गया है, अब आगे और क्या छोटा निकलेगा? मैं दिल्ली आ गया हूँ ना, अब बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, लच्छे पराठे हैं। वो मेरी बड़ी बड़ी बीबी बाहर आ गई तो तेरा क्या क्या बड़ा कर देगी, तू सोच नहीं सकता। अरे ये स्क्रू की साइज का आया है, ड्रिल करना चाहता है। तू अपना लाइसेंस ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ड्रिल वाला है गप्पू भैया, अब तो आप जल्दी से प्योरीफायर लगा दो और फिर आप अपनी इस प्यारी सी बीवी को लेकर कहीं घूम लो। एनिवर्सरी है ना आज आपकी, तो सेलिब्रेट करो, पिक्चर विक्चर देखो। हाँ मैं बस 2 मिनट फिट करके सुनो, बस एक मिनट पहले लगवा। सुनो तो दीदी बीवी यार, अरे मटर भी तो उस तरह से। फटाफट काम करना भाई, सामान से वो निकालना यार। क्या हुआ सन्नी? क्या हुआ सन्नी? अबे क्या क्या हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं कि तेरे जीजा और जीजी इतने बड़े आर्मी। चुप हो जा यार सनी, चुप हो जा भाई। ये सनी आराम से बैठ के बात करते ना भाई, लंबी स्टोरी है ना, क्यों ऐसी चक्कर? लंबी तो होगी स्टोरी, शादी जो कर ली तूने 2 मिनट में भाई को गैर समझ लिया। ऐसी बातें कर रहे हैं सनी, तू मेरा भाई है यार, मैं तुझे क्या तोड़ने करूंगा? और मैं तेरे को कह रहा हूँ आराम से बैठ के सारी बात करेंगे ना भाई, अभी प्लीज मशीन निकाल ले, काम वगैरह कर लेते ना प्लीज। रब
झूठ हम दोनों बोल रहे हैं, बोल तुम रब को रहे हो। तुम ना चलना चाहिए। कैसे जा सकती है? तेरा होश हो जाएगा। तुम हमेशा सिर्फ खुद की पड़ी होती है ना गगन। तुम्हारी भी पड़ी है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में तूने मेरे साथ दो कदम आगे चलना था, लेकिन तुम तो चार कदम पीछे जा रही हो। अरे तुमसे तो अच्छा वो भोला वाला साला है, न जाने कैसे कैसे झूठ के पहाड़ खड़े कर रहा है। और बिंदु तुम, यू आर अवॉइडिंग गगन। गगन, तुम अब इसको क्यों चिपक रहे हो? यार इंसान इंसान में गले लगता है तो चिपकना नहीं होता यार। After all, humanity भी होती है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, वो गुलाबी में गुलाबों कौन? बहन है। बहन। और वो जो साड़ी पहने हुए थी वो? दीदी है। दीदी। यार ये एक ही बात हुई ना, यही तो कंफ्यूजन है। एक मिनट भाई 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 रुक जा। ये मुझसे पूछने लगी कि प्रेम क्या होता है। मैं क्या यार, ये सब प्यार व्यार मुझे नहीं पता चलता, मैं गाय आदमी हूँ। और तुम उसे भैंस की तरह भैंस करने लगी, मैं क्या बेला महान है वो समझा सकती है? अरे अपने गप्पू की बीवी है बिंदु। जो तेरी बहन है और जो तेरी दीदी है, फिर तेरी दीदी तेरी बहन को तेरी बीवी क्यों बोल रही थी? नहीं, मेरे दिमाग की माँ बहन मत कर मेरे भाई, हम काम करने आए ना, वो कर लेते तो ड्रिल मशीन निकाल, ड्रिल करना क्या कर रहा है यार सनी। तुम प्लीज जरा चेक करना प्योरीफायर लगा कि नहीं, मैं इससे थोड़ी देर बात करती हूँ। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो क्या प्रॉब्लम है? तू कुछ ना कुछ चंट पना कर रहा है भाई, मैं भाभी से पूछता हूँ। भाई कैसे कमाल, अबे तू ड्रिल लगाने आया कि दंड पेलने? एक बार गप्पू, वो गप्पू मार रही है, पोल खोल देगी तो लग जाएगी, ना जाकर पानी पिला। मैं कैसे पानी पिलाऊं? अबे तेरी बीबी है, तेरी दीदी है, तो पानी तो तू ही पिलाएगा। दीदी बीबी? यार तू अपना काम करना भाई। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी पर्सनल बात करना भाई, काम कर ले। नहीं मैं ये कह रहा हूं, हमारा ड्रामा चल रहा है, तू नए पात्र की तरह बीच में क्यों घुस? मैं सोच रहा हूं यार, क्यों चाहिए पूरा काम करना अपना। जीजू ये जो आगा बाहर लगा के आया ना, ये इतने से पानी से नहीं बुझने वाली। अरे ये औरतें है ना, दिल की बड़ी नरम होती है, प्यार से पानी भी पिला दो तो प्यास बुझ जाती है। कहाँ से सोचती हो? यहाँ से। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं ऐसे अचानक से गुस्से में यहाँ आ गई, पता नहीं आप लोग और मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच कहूँ बिंदु, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से मिल रही हूँ। क्या मित्र? क्या है बे? जीजा जी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। बोल। जीजा जी मैं ये कह रहा था कि आप इस झंडू के चक्कर में मत पड़िए, बहुत बड़ा पनौती है, जहाँ भी जाता है पनौती फैला देता है। मैं ये कह रहा हूँ आप ना इससे एक ही प्योरीफाई लगवाइए। एंड बाकी? बाकी ये समीर हैं, इनसे लगवा लीजिए, आधे दाम में लगा देंगे, टैक्स भी नहीं लगेगा, GST भी नहीं लगेगी। है स्मार्ट बॉय, आशीर्वाद दीजिए। अभी तक दिया नहीं है, यू डिजर्व इट। यस यस। दीदी आपका लाइसेंस मिल गया? अरे यार ये लाइसेंस ना पता नहीं कहाँ छुपके बैठ गया, मिल ही नहीं रहा। तुम इसके पास बैठो, मैं लाइसेंस ढूंढ के आती हूँ। सनी बोल भाई, राजीव ने तो यहाँ माहौल बना दिया है। क्या बात कर रहा है बे? भाई ये घर में पांच पांच प्योरीफायर लगा रहा है। अबे तो तू क्या कर रहा है वहाँ पर? भाई मैंने अपना काम कर दिया, ऑनर को आपका कार्ड दे दिया मैंने। हाँ कहो तो धंधा चौपट कर दूँ साले का। कर दे कर दे कर दे कर दे। अच्छा समझो काम हो गया भाई, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है भाई। Thank you.
तुमने जो गधे से मारा उससे तो मर ही गया ना वो बेचारा। मैंने सुना अगर कोई बंदा बिन मौत पड़ता है ना तो उसकी आत्मा घर पे भटकती है। मैं मरता नहीं, मैं अमर हूँ। सॉरी कम अगेन? मैं अमर हूँ। चीजू इसको तो डेड छोड़ के आए थे, ये डूड कहाँ से बन के आ गया? अबे तू गया तो पोपट था, ये डोनल डक की तरह कैसे बाहर आया? जागो राकेश साइया, नो वन कैन किल। जस्ट चिल। आप कौन है? गैस। Yes? मेरे फूफा जी हैं, बचपन में सटके अचानक टपके। पेरी पौना फूफा जी। बाथ विद मिल्क्स, ब्लास्ट विद फ्रूट पेरीज। दूधो ना पुतो फलो, इनकी स्टाइल है। बहु बहुत संस्कारी है, तुम अपने संस्कार कैसे भूल गए? अरे आधे पेरी बना किया क्या फूफा? हम्प्टी डम्प्टी, तुम तो उनके साले हो और वो तुम्हारी बहन। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो बीवी हूं ना इनकी। गॉड ब्लेस। तो फूफा जी आप क्या करते हैं? घर सफाई। फूफा जी आपको ये चोट कैसे लगी? हाँ लेकिन लगी कैसे? बहू मैं जैसे ही दिल्ली में एंटर किया तो मेरे ऊपर दिल्ली के कुछ लुच्चे लफंगे गुंडे टूट पड़े और उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया। उन्होंने मुझको बहुत मारा। I fight till death। फिर भी मरे नहीं। मुझे उन्होंने कॉफिन में डाल दिया। हार के निकल आए। वाह क्या हिम्मत दिखाई। पर आप आए कब? मैं कल नहीं आ जाए, जैसे तुम निकली वैसे आज। अच्छा अच्छा, पर मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिए। हमें भी। कैसे दिखते? ये तो गेस्ट रूम रिफ्रेश हो रहे थे, नहा धो के आए। बहू अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कि मैं फूफा ही हूँ तो नाश्ता पानी मिलेगा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। गाइस You are playing with fire. You liar. You liar. And you upcoming liar. But God will not admire. Hello. मेरे नीचे लगी हुई है फायर। क्या क्या लेके जा? जेवर। जो बेड के अंदर थे वो? Try कर ले। जाने नहीं दूंगा। बहू आ गई। लीजिए फूफा जी। थैंक यू। ओके अच्छा बेटा अब मैं चलूंगा। अरे फूफा जी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन हमारे साथ रुकिए, बातचीत कीजिए। नहीं
इन्हें बहुत काम। He's too busy. थोड़े पैसे होंगे। गगन, please. हाँ हाँ। तो पर्स छीन गया। वापस कर दूँगा। Next time. Next time फिर आओगे? Excuse me. बेटा मेरा बैग लेना। जी आते रहा करिए और नेक्स्ट टाइम पूपी को जरूर लेके आना। अरे बेटा, she is no more like my wife actually. Oh, I'm so sorry. No problem. जब भी दूसरी कोई मिलेगी मैं लेके आऊँगा। By the way, तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं एनजीओ में काम करती हूँ। Oh. औरतों की मदद करती हूँ। Very good. Actually, मैं भी एनजीओ खोलना चाहता हूँ। ये कितने में खुलता है ये एनजीओ? आऊँगा फिर से जल्दी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अच्छे थे तुम्हारे फूफा जी, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। I can understand your feelings. तुम्हारा लाइसेंस और आरसी मिला? अरे यार, इन सब बातों में ना लाइसेंस और आरसी भूल जाऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। जीजू, मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या आपने इनको फूफा ही क्यों बनाया? मतलब ताया या मामा क्यों नहीं बनाया? यार ये फूफा लफ्ज जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फूफा तेरे समझ में आया? नहीं। अच्छे अच्छे की नहीं आता। टोपी बनाने और झूठ बोले ना, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। यार पहले नेशनल तो मिल जाए। ये पनौती गई है, जो अंदर पनौती है पहले से बाहर निकल। अरे सन्नी भाई, क्या हो गया? अरे यार देख के तो खोलता यार तू। अरे तो मेरे को क्या पता तू वहां पे? ओ भाई, तूने ड्रिल क्यों नहीं करा? मशीन कब फिट करेगा? भाई मैं लगाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं नट बोल्ट कहाँ चले गए यार। क्या? अबे नट बोल्ट कहाँ चले जाएगा भाई, पागल है क्या? थोड़ा लेके आया था क्या? सन्नी लेके आया था कि नहीं लेके आया था? यार मैं लेके क्यों नहीं आऊंगा, पागल हूँ क्या? तो फिर भाई कहाँ चले गए? पागल है कहाँ चले गए? नट बोल्ट जमीन खाके आस पास लेके कैसे कैसे घूम सकते हैं यार? मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है यार तू? मैं सनीचर हूँ। और क्या? अबे सनीचर होगा तू, साले फेलियर आदमी। मेरे कारण दिल्ली में रहता है तू, रेंट भी मैं देता हूँ। अबे भाई कहाँ से दूंगा मैं रेंट, कहाँ से दूंगा मैं रेंट? अगर मैंने प्योरीफायर नहीं लगाया ना, वो टकला मुझे कल नौकरी से निकाल देगा। मेरी तो मत ही मारी, तेरे से कमीने को बुला लिया यार। मैं कमीना हूँ ना। और क्या है भाई, अब लगा लियो खुद ही। जा भाई जा, मैं अपने नगर में भागते आते। अबे तू फिर दर्द फैल रहा है, ये क्या है? तो फ्री फायर लगाना है कि बॉडी बनाना है? तुझे क्या हुआ? अरे यार जीजू, इसने अभी तक प्योरीफायर नहीं फिट करा यार। बोल्ट नहीं मिल रहे हैं जीजा जी, कितनी बार बताया इसको। अरे यार पता नहीं, इसको हमेशा मेरे टाइम पे ही इसके नट बोल्ट खो जाते। पता नहीं मेरे काम में ये रोड आउट करता है, काम कुछ करता नहीं, और पार्टी से चाहिए दारू और चिकन की। नहीं चाहिए तेरी पार्टी। शरीफ आदमी देख के चढ़ा है। मैं तो तेरी लकड़ पकड़ जैसे पाँव आई, तेरी उल्लू जैसी आंखें देख के समझ गया था कि तू इस बिजाई का काम बिगाड़ रहा है। और तू इसे काम पे लगा रहा है या तेरे काम की लगा रहा है? जीजू मैं कुछ समझा नहीं। ये देख, ये कह रहा था तुझे एक प्योरीफायर लगाना है और चार ये लगाएगा। तू इसे अपना समझता है और ये तुझे पनौती। यार सन्नी, भाई मानता था तुझे यार, और तू कमाल है भाई। भाई पिछली बारी जब हिमाचल गया था, तेरे लिए हिमाचली टोपी लेके आया था ना, क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। अबे डेंगू हुआ था भाई तुझे, याद है? डेंगू हुआ था, खून किसने दिया था भाई? मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा यार। तू 2000 रुपए के पीछे लड़ता है, 2 साल में पता नहीं कितनी पार्टियां तुझे दी है मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। तू अपनी दारू और कमीशन के चक्कर में भाई का पत्ता काट रहा है। सॉरी भाई, दिल से शर्मिंदा है तेरा भाई, माफ कर दे यार, गलती हो गई भाई। पिक्चर देखने चलोगे? कौन सी? द कुंग फू पांडा। हाँ चलो। 3D में। हाँ सन्नी बोल। सन्नी नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ बे, समझे? सन्नी पागल हो गया क्या? साले कीचड़,
तेरी तो संगति बेकार है साले भ्रष्टाचारी कमीशनखोर राजीव जैसे चंदन आदमी के साथ रहकर तू जहरीला सांप का सांप ही रहा साले जब तू मरेगा ना तो सीधा नरक में जाएगा यमराज है ना डंडे लपेट देगा तेरे चबूतरे में समझ गया ना वो साले तू मिल मिल बेटा साले इतना छत्तर मारूंगा तुझे इतने छत्तर मारूंगा ना काट फोन फोन ओके फाइन बाय बाय एक बोझ बचा है उसे निकाल देते भाई मार ओ नहीं भाई कैसी बात कर रहा नहीं भाई तू मार मुझे मार नहीं भाई तूने बस कर दिया बहुत है यार चलिए बहुत है जीरा जी आप ही मार दीजिए मैंने मारूंगा यार तू कमजोर आदमी मरमरा गया तो नया केस हो जाएगा जीरा जी आपको जी जी की कसम अरे यार उसकी कसम नहीं दे यार मुझे हार गया मैं सॉरी अब देख दोनों भाई मिलकर पूरी दुनिया में पवित्र पानी फिट कर देंगे और आज के बाद से तेरा भाई किसी प्रकार का कोई रायता नहीं फैला वादा ले पता नहीं कौन रायता फैलाने आ गया देखने दे भाई तू उठा के अपना काम करने यार घर नहीं मंदिर हो गया मुझे छोड़ के सारे घंटे बजा रहे जीजू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे कौन है क्या हुआ गगन अब कौन आ गया तेरा पति आया है पति अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैं यहाँ कैसे अरे यार जीजू हम दीदी को कहीं छुपा नहीं सकते क्या नहीं छुपा सकते उसने जरूर बाहर मेरी स्कूटी देखती होगी पुलिस वाला बहुत शातिर अरे यार मैं आज यहाँ प्योरीफायर लगाने क्यों आया इससे अच्छा तो मेरी नौकरी चली जाती जीजू आप उस्ताद आदमी हो कुछ सोचो ना यार अगर बेला को पता लग गया कि तू राजीव की नहीं मेरी वो है तो हम गए और तेरे पति को पता लग गया कि तू मेरी वो है तो हम गए मैं सोच रहा हूँ अब मैं तुझे क्या बनाऊँ नहीं 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 जीजू जीजू मैं बेला दीदी के सामने इनका नकली पति बन गया हूँ लेकिन इनके असली हस्बैंड के सामने मैं इनका नकली हस्बैंड ही बनूंगा क्योंकि अगर इनके असली हस्बैंड को पता चल गया कि मैं इनका नकली हस्बैंड हूँ तो जीजू वो पुलिस वाले हैं वो बंदर को पीट पीट के कबूल करा रहे थे कि वो भालू है मैंने ना किसी का भाई बनना है ना किसी का पति और ना किसी का साला क्या हो गया सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे वो दीदी कोई प्रॉब्लम है कैसी प्रॉब्लम ये मेरी बीवी नहीं है तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर किसकी बीवी है वो जो बाहर पुलिस वाला घंटी बजा रही है उसकी उम्र सारी तो तुम्हारा इसके साथ क्या चल रहा है अफेयर चल रहा है और गगन तुम्हें ये सब मुझे तो पता ही नहीं था अब पता चला है तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ पर बिंदु तुम पति के होते हुए तुम ये सब कैसे कर सकती हो दीदी अब मैं क्या बताऊँ मैं कैसे इस इंसान के साथ रह रही हूँ कोई इंसान हर बात पे ही हा हा हू हू कैसे कर सकता है दीदी तो उम्र में मैं इतनी छोटी हूँ इस बात से वो तो बहुत खुश है लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं ना तो लोग बाप बेटी के चोरी नजर से देखते हैं ताने कसते हैं आपको लगता है मुझे अच्छा लगता होगा इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क पड़ता है बुरा लगता है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति ऐसे होंगे चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं प्यार कर सकूं चाहकर भी मैं इनसे प्यार नहीं कर पाई फिर मुझे ये मिल गया मुझे इनसे प्यार हो गया बिंदु तुम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है मुझे समझ में आता है बाकी तो तुम्हें गलत लग रहा है और फिर देखो एक गलती सुधारने की बजाय तुमने दूसरी गलती कर डाली बेला जो हुआ अब इस बेचारी का घर बिखरने से बचा लो
प्लीज। और फिर इसे जो सजा देना है दे देना। तमाशा इधर है। क्या हो रहा है सर? देखिए ना मैडम। बॉय लेडीज फर्स्ट। ओके सर। हाँ मैडम बताइए क्या बात है। सर देखिए इसने बिना इंडिकेटर के कट मारा है। अब ये इसको बचाने के चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लगी, अब ये मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे इसको पैसे देने पड़े। ओए ले जा इसको, चुटकुला सुना। आ भाई इधर आ जा। सर हाँ मैडम जी लाइसेंस दिखा दीजिए जरा। सर वो मुझे लगता है मेरा लाइसेंस घर पे रह गया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने एनजीओ के काम से शिमला जा रही हूँ सर, बहुत जरूरी काम है। अबे काम करो, पेपर्स ले आओ और गाड़ी ले जाओ। वो आप अपना ये फोन कार में भुलाई थी जी। हाँ जी, और जब मैं बजाना तो गायत्री मंत्र की आवाज आई और मैं तभी समझ गया किसी भगवान के बंदी को परेशान किया है मैंने लाइसेंस के चक्कर में। लाइसेंस ना अभी तक ढूंढ रही हूँ। वो तो जी आपको ढूंढ के थाने लाना पड़ेगा जी, इसमें मैं कोई सेटलमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पुलिसिंग। मैडम जी एक बात पे मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या जी? ये जो स्कूटी है ना, ये मेरी वाइफ की भी सेम कलर की है और नंबर भी सेम है जी। बिंदु आपकी वाइफ है? हाँ जी बिल्कुल पर्सनल वाइफ है मेरी। बहुत तारीफ करती है वो आपकी। अच्छा, अरे आइए ना अंदर ही है, चाय वाय लीजिए। आइए आइए। ना जी चाय नहीं, ग्रीन टी पिलाइएगा तो मैं अंदर आऊंगा। बिल्कुल प्लीज आइए। अच्छा जी। ओए बिंदु, ओए गुड टू सी यू यार, है यहाँ पे। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? Myself, गगन कपूर। ओह हाँ हाँ जी गगन कपूर, आपका नाम नेम प्लेट में देखा था मैंने। आप पंजाबी हो? नहीं बंगाली। अरे पक्का पंजाबी हो। ये बच्चा कौन है भाई? तेरा नाम नहीं देखा बाहर नेम प्लेट पे। ये साला है, इनका भाई है। अच्छा भाई है। पर शक्ल तो मिलती नहीं है। मैंने भी शादी में यही सवाल पूछा था। होता है जी, होता है। वो कह रहा है मेरे पिताजी और ताऊ जी की शक्ल नहीं मिलती, फिर भी दोनों भाई है। अनिल कपूर बोनी कपूर, हाँ शक्ल मिलती है नहीं, फिर भी दोनों भाई है। मैडम जी आपकी ग्रीन टी नहीं है अभी तक। आप तब तक पानी ले लीजिए जी। आपका लड़का है और जेब में पानी लेके घूमता है? वो आजकल कभी भी कोई भी आ जाता है ना जी। स्मार्ट है पंजाबी लड़का ये। क्या तो ग्रीन टी ले। एक्सक्यूज मी, आप तो शिमला जाने वाले थे है ना, फिर तू यहाँ क्या करने आई? ये लोग साथ में पूजा प्रार्थना करती हैं। ये आज यहाँ आ रही थी, ये अचानक शिमला चल पड़ी, अब ये निकली है, वो आई है, वो निकल रही थी कि ये आ गई, अब ये साथ निकल रही थी कि आप आ गए। यार वैसे बात नहीं कमाल का। नो मैं कमाल का नहीं, बिंदु को आदमी हूँ। ड्रामे में मैं पुलसिया का रोल करता था, ईमानदार पुलसिया। तो लोगों ने देखकर बोला भाई तेरी जरूरत तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तू बाहर जा। तो मैं बाहर आ गया, दिल्ली आ गया, पुलसिया बन गया देख लो। वैसे आप आदमी ना एकदम सुरंग के जैसे हैं जी, मतलब खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। आप वही है ना जो जिनको दूध लाने भेजो तो पनीर लेके आते हैं, जो दूध लेने जाता है तो खीर लेके आता है। शुरू से कोर्स किया है? ओ ना जी कोर्स वोर्स नहीं किया, ये सारी जिंदगी का अनुभव है। देखो जी जिंदगी जो है ना बुलबुले की तरह होती है, या तो आप दुखी होके जी लो या फिर हंस के जी लो, है खुश होके। तो मैंने सोचा यार हंस के जीते तो हंस के जीता हूँ। भाई साहब आप हमेशा खुश रहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी दुख आ गया तो मान लीजिए कभी बिंदु आपको छोड़ दे फिर भी आप खुश रहेंगे?
वो मैडम जी, सवाल तो आपने बड़ा कठिन किया है। बिंदु मुझे छोड़ के चली जाएगी, दुख तो बहुत होगा जी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आज तक मुझे अपनाया हुआ है। मेरी तरफ देखो जी, बिलो एवरेज आदमी, मामूली सी शक्ल है, मामूली सी नौकरी है, कुछ खास दिखने में नहीं हूं, पेट निकला हुआ है। मैं जानता हूं मैं इसके लायक नहीं, इसके लायक तो आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट आदमी हो जी, लेकिन 6 साल हो गए इसने मुझे छोड़ा नहीं है। किस बात की? बस ऐसे ही, I'm sorry. क्या कर रही है तू? पगली, रो मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। जिनसे चिपक रही है सही चिपक रही है, अगर तू ज्यादा चिपका ना तो मैं तुझे चिपका डालूंगा, समझा? गगन, एक्चुअली मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। समाज की सेवा करते करते मैं ये भूल ही गई कि पति की सेवा करना भी मेरा ही फर्ज है। मैं तो तुम्हें बात तक करने का वक्त नहीं देती। इन सब बातों के बावजूद तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। आई एम रियली सॉरी। कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं। क्या बात कर रहा है? बिंदु, हम तो स्टेज के एक्टर हैं, ये रियल हीरोज हैं, ध्यान रख। अगर किसी की बीवी का ऐसा हस्बैंड होगा उसका 12 अफेयर करना। तो कभी किसी के रिश्ते को अपनी नासमझी से खराब मत करना, और अगर कभी मन करे ना तो ये चांटा जरूर याद कर लेना। झूठ बोलकर और झूठे रिश्ते बनाकर ना तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम ना खुद को गप्पू कहना बंद करो, तुम गप्पू हो ही नहीं सकते। गप्पू? यार तू तो रिश्ते से मरकर रिश्ता निभा गया। वो पुरानी कहावत है, कभी कभी कमजोर मजबूत का सहारा बन जाता है। जैसे आज तू मेरा सहारा बन गया। बेला तुझसे नाराज है, पर उस नाराजगी की वजह मैं हूं। जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, बिना बेल बजाए जो। और सुन, मैं बेला के मन को अच्छे से समझता हूँ, तुझे माफ कर देगी, पर तू मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से तो एक दिन में इतने सारे सबक सीख गया है। और आपको पता है, आप ना अपने आप में स्कूल हो, बस पढ़ाई थोड़ी अलग है। चलो तेरी पाँव का एड्रेस भूल गया है? तू नीचे झुकता है कि मैं अपना पाँव पर उठाऊं? Welcome to our show, The Winning Tortoise.
Today we have one real eminent personality in our studio. The CEO of a very popular water purifier brand, Zen Purifiers, Mr. Rajiv Chabbra. Thank you. वैसे कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है तो आपके पीछे भी किसी औरत का हाथ है मेरे पीछे तो जी औरतों की फौज का हाथ है और आदमियों का भी हाथ है मैंने अपने बिजनेस के लिए मैडम क्या क्या नहीं बनाया कौन कौन से रिश्ते नहीं बनाए मामा चाचा चाची ताया नाना नानी दादा दादी दीदी और जीजू वो भी बनाए मुंडा याद है प्यूरीफायर लगाने आए थे इसे कैसे भूल सकती हूँ गप्पू बिंदु याद है कि नहीं हाँ इसकी गर्लफ्रेंड एक्चुअली वो गप्पू की नहीं मुझे पता था कि बिंदु का और तुम्हारा था क्या तो बताया भी नहीं आज तक इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम अपने मुंह से सच बोलो तो माफ करता उसी दिन कर दिया था अरे ऐसा करके मैं तेरे ना प्यार करता चाय पियोगे पिला यार तुम औरतों का दिल कितना बड़ा होता है यूं माफ करता हेलो डार्लिंग गगन आज मिल रहे हैं ना यार आज मैं इमोशनली ओवरलोड हूँ ओहो आज तुम्हारा लोड नहीं उठा सकता क्यों प्लीज डोंट माइंड अबे तो अपनी बेइज्जती से खुश कैसे हो सकता है बेरहम मेंढे One more. चलो मुझे समझ नहीं आ गया मेरे को पता ही नहीं कौन सा चार और पांच से मारना पड़ेगा ये दुनिया ये शूटिंग ये मनोज ये चिरकुट डायलॉग आ गया नहीं मुझे आरती बीच में काय काय कर रहे हो एक्शन जीता मैं तो दहला गेरू नैले पे तू कहे तो रागड़ी पे ट्रेक न चादू अल्ले में बंदा मैं हूँ लॉयल पैसा वैसा तो ये ब्लफ है प्यार करना इजी निभाना बड़ा टफ है वैसे तो हर चीज क्लास मेरे पास है फिर भी ये शॉपिंग वाली बेटी ना प्यास है मरती है दुनिया तेरे सैग वाले